जय जगन्नाथ। आज हमने कुछ कपड़े की कट पीस से ही एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, वॉल में हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र, जिसकी लंबाई 27 इंच और चौड़ाई 10 इंच। 27 इंच में हम इसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद कपड़े को फोल्ड करके ऐसे ही एक साइड में 5 इंच नीचे लेके तिरछे कटिंग कर लेंगे। तिरछे ये हमारा हो गया बेस कपड़ा। उसके ऊपर हम 3 पॉकेट लगाएंगे, जिसकी चौड़ाई वही 10 इंच रहेगा और लंबाई 6 इंच। ऐसे ही कपड़े हम 3 पीस कपड़े कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा 3 पीस। उसके ऊपर ही हम इसको सिलाई करेंगे। नीचे के लिए के लाइलिन पीस भी कटिंग करेंगे। उसको पीछे से सिलाई करेंगे। इसके चारों तरफ हमने जो पाइपिंग सिलाई करेंगे, एक साड़ी के लेस के ही हम यूज़ करेंगे। साड़ी से निकला हुआ लेस, उसको ही हम पाइपिंग की तरह यूज़ करेंगे। देखिए, पहले जो 3 पीस हम कटिंग किए थे, उसके एक एक साइड में हम पाइपिंग सिलाई करेंगे। ऐसे ही उल्टा पट सिलाई करके सीधे की तरफ पाइपिंग को रखेंगे। ये हमारा एक पीस में हो गया। ऐसे ही और 2 पीस में ही हम पाइपिंग सिलाई करेंगे, 1-1 साइड। देखिए, हमारा 3 पीस अभी कंप्लीट हो गया है। ये 3 पीस पॉकेट को हमने मेन पीस में अभी जॉइंट करेंगे। नीचे से जॉइंट करेंगे। नीचे में एक पीस, उसको पहले पिन अप कर लेंगे। उसके ऊपर जो पॉकेट लगाएंगे, उसको अंदर से ही 1 इंच अंदर से ही लगाएंगे। उसको भी पिन अप कर लेंगे पहले, और एक पीस भी ऐसे ही 1 इंच अंदर से ही हम सिलाई करेंगे। उसको भी पिन अप कर लेंगे। उसके बाद हम मेसिन सिलाई करेंगे। पहले वो नीचे वाली जो पीस हम पिन अप किए हैं, उसको ही मेसिन सिलाई करेंगे, नीचे की पर्सन। और ऊपर जो पीस, दोनों पीस हम सिलाई के पिन अप किए थे, इसकी जॉइंट ऐसे उल्टा करके सिलाई करेंगे। उसके बाद ऊपर से एक प्रेस सिलाई भी देंगे।
ऐसे ही 3 पीस हम सिलाई करेंगे। उसके बाद दोनों साइड हम मेसन सिलाई कर लेंगे, ये दो साइड। सिलाई करने के बाद पीछे से हम लाइलिन को सिलाई करेंगे। लाइलिन की एक साइड हम मेसन सिलाई कर लेंगे, दो साइड ऊपर में रहेगा, वो ओपन रहेगा। ऐसे वो ऊपर की तरफ रहेगा। ये भी दो तीन साइड हम बाकी तीन साइड हम सिलाई कर लेंगे, मशीन सिलाई कर लेंगे। देखिए हम लाइलिन को सिलाई कर दिए हैं। उसके बाद हम वही लेस को ही चारों तरफ पाइपिंग की तरह यूज़ करेंगे। पहले ऊपर से ही सिलाई करेंगे। ऊपर में जो ट्रायंगल की तरह है पहले उससे ही पाइपिंग लगाएंगे। ऐसे ही उल्टा की तरफ लगा के सीधे की तरफ पाइपिंग को मोड़ लेंगे। ऐसे ही पाइपिंग हम दोनों तरफ भी लगाएंगे, दोनों साइड। ये साइड भी हम ऐसे ही सिलाई करेंगे पाइपिंग। ये हो गया हमारा ऊपर पाइपिंग सिलाई हो गया है, और अभी नीचे की तरफ नीचे एक भी एक पाइपिंग सिलाई करेंगे। वही लेस को ही सिलाई करेंगे। उसके बाद अभी दोनों साइड में हम वही लेस को ही पाइपिंग देंगे। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब चारों तरफ पाइपिंग सिलाई हो गए हैं। ये हमारा 3 पॉकेट भी तैयार है, और ऊपर में हैंगिंग के लिए ऐसे एक छोटा कपड़ा को हम फोल्ड करके सिलाई करेंगे। ऊपर में इसे फोल्ड करके हम इसको ऐसे ही मशीन सिलाई कर लेंगे। ये हो गया हमारा ऊपर में, और नीचे के लिए कुछ शो के लिए हमने ये दो लटकन हमें सिलाई किए हैं। ये हमारा अभी कंप्लीट हो गया है। और नीचे में पीछे में एक कार्डबोर्ड हमने डाले हैं, क्योंकि जब हैंगिंग करेंगे तो सीधा रहेगा, बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगा। देखिए बच्चे के कुछ सामान भी हम रख सकते हैं यहाँ पर, छोटा छोटा सामान। ऐसे वॉल में हम हैंगिंग कर लेंगे।